हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज मज़ार को हम लोग ग्रूमिंग के लिए लेके जा रहे हैं ग्रूमर के पास, और देखो कैसा होता है, क्या होता है, कैसा ग्रूम करता है, क्योंकि 7-8 महीनों बाद मज़ार अभी ग्रूमिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है, रेनी सीजन के बाद बहुत टाइम बाद हो गया वो ग्रूमिंग पे जा रहे हैं। ये देखो मज़ार इधर बैठा है। ठीक है, अभी मज़ार और हम लोग निकलने वाले ग्रूमिंग के लिए। ओके, तो मिलते हैं अभी ऑटो में या फिर नीचे, ऑन द वे मिलते हैं। सो गाइस, देखो अभी मल्लार में और मम्मी हम लोग गाड़ी में। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, ऑन द वे है इसको ग्रूमिंग को लेके। 12:30 का अपॉइंटमेंट था, बट 5 to 10 मिनट्स लेट हुआ है। कोई नहीं, 5-10 मिनट्स के दूरी पे ही है हमारे इधर से, मतलब जाने के लिए हम लोग 12:35-12:40 हो जाएगा। तो अभी ऑन द वे हम लोग उधर जा रहे हैं। तो मल्लार देखो कैसा मज़े कर रहा है ऑटो में, बहुत टाइम बाद इसको ऑटो में बैठने के लिए हुआ है। कैसा बैठा देखो, दो पैर इसके पीछे और दो पैर इधर मेरे पैर पे डाला, देखो ऐसा बैठा है। ठीक है, और ये ऑटो वाले मज़े ले रहे हैं रोड के। अरे इधर मम्मी है ये इधर बैठा है। चला पकड़ आई तू, इसको बाहर आना है, बट वो अभी थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा है। चला पकड़ा नीट, खाली बस दादा चमाली वस्ता बैठे हो, बैठे हो बिंदास, खाली बैठे हो। ओके ओके, गुड बॉय, गुड बॉय, बस बस बस। हाँ मल्लार, नो दादा चमाली, नो। तो गाइस देखो कैसा लग रहा है, मेरे को पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम। भाई ये क्या हुआ, देखो रेसिंग लग गई, कैसा बैठा है देखो कैसा बैठा है, देखो बैठा है बाहर इसका मजा आ रहा है। हम लोग बैठे देखो, अभी इसको ग्रूमिंग के लिए लेके जाएंगे, ये थोड़ा और खुश हो जाएगा। यार गर्मी है, गर्मी के वजह से इसको देखो कितना ये निकल रहा है, जी बाहर काट दे गर्मी में, कुछ कान है जवाब है, जिसको आदत नहीं है धूप में घूमने का। ठीक है, चलेगा, देख लेंगे, देखा जाएगा। ओके, मिलते हैं अभी, ग्रूमिंग कैसे करते हैं क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। और कोई भी नियर बाय रहेगा तो ग्रूमिंग इस पर वो ग्रूमिंग स्टोर पे जाओ आप, जिधर ग्रूमिंग करते हो उधर, क्योंकि मल्लार को मैं बचपन से उधर ही लेके जा रहा हूँ, और आज इसका बर्थडे है उसके वजह से मैं उधर ही उसको ग्रूमिंग कराऊंगा, नहीं तो घर पे भी हम लोग करवा सकते थे, बट कैसा थोड़ा बर्थडे पे थोड़ा लगना चाहिए ना हीरो। हाँ ऐसे, नहीं तो हम लोग रोज ऐसे ही करते हैं इधर। ओके ठीक है, तो मेरा आज भी थोड़ा दर्द होने लगा, मिलते हैं बाद में। तो गाइस देखो हम लोग ग्रूमिंग पे आए, और ये इधर इसको एक स्ट्रीट डॉग मिल गया, थैंक गॉड, अच्छा है। ए तिकडे ना मार्किंग करो ते दादा, आव ना मी विचारतो कॉल करून, हे तर व्हिडिओ काढतो आत दिसतो। जम्मू
चल जा आतमध्ये, जा आतमध्ये, गुड बॉय, व्हेरी गुड. वेट कर वेट कर, काय नाही करणार तो, काय नाही करणार. हा चेन काढतो. होय वेट, गुड बॉय. Very मेसी उचल दिल. गुड बॉय मल्हार, वेट 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 मल्ला. काय नाही करत आहे मल्हार, काय दिसतंय? बॉल दिसतंय. नको काय बॉल बिल नाव दे मल्हार. काय होतं तुला? गुड बॉय. आता त्याला पण भेटो आहे ना, या पगला पण भेटो. नो भेटायचंय का त्याला? तुला भेटायचंय नाही काय करणार नाही तो, बट त्याला भेटायचंय काय? त्याला तो ऍग्रेसिव्ह बघ वाटला, तो पागल आहे. त्याला जर भेटला ना कोणी येऊन तर तो भेटणार. मल्हार तुला चांगलं वाटतंय तुला?
नको तुला बस झालं ट्रेन गुड बॉय ओके काय नाही काहीच नाही होय नाही लागणार कसं करू मग गुड बॉय पागले ते नको आहे तुला जाऊ दे है ना नको आहे तुला एवढा कसला दम लागतोय परफ्यूम पाय दे हाँ दुसरा दे दुसरा दे आता दुसरा दे गुड बॉय नाही तो असं काही करणार नाही ए इकडे काय म्हणणार इकडे तसं काय प्रॉब्लेम नाही इकडे पाहिजे ना तुला उभा राहा त्याचं लक्ष गेलं की दरवाजा बंद उभा राहा चल स्टँड अँड वेट स्टँड देतो वेट वेट देतो झालं चल बॉल पाहिजे तुला मग बॉल पाहिजे तुला गुड बॉय टाइमपास
वेस्ट करते हो टाइम। गुड बॉय। हे पण चावते गरजच नाही मल्हार। चल पाटी चल चल चावणार का तो तू अरे खाते सो गाइज अभी इसका है ना ग्रूमिंग हो चुका है कम्प्लीटली। इसको थोड़ा अभी फ्री कर रहा हूँ क्योंकि घर जाके ये सोने वाला है। इधर बहुत बहुत मतलब बहुत ये किया है उससे बहुत खेला है उसके टॉयज के साथ। अभी हम लोग जा रहे हैं घर ऑटो देखते हैं और घर जाते हैं फिर मिलते हैं बाद में। ये एक्चुअली में एक सेपरेट ब्लॉग कर रहा हूँ ग्रूमिंग के ऊपर और आप देख सकते हो ये सामान में इसको वो दिख रहा हो ये लो वो बस वो। सो गाइस आप देख सकते हो ये कैसा मतलब इसको कैसा ग्रूम किया है। उसके बाद में थोड़ा उसका फैशन बनाया उसको एक कुछ अच्छे से एक मॉडल बनाया। अभी हम लोग जा रहे हैं ये हमारे घर से 10 मिनट्स के दूरी पे और इनका शॉप पहले घाटकोपर में था अभी विद्या भी अभी तो यस मिलते हैं अभी सीधा घर पे चलो। तो गाइस आपने देखा मल्हार को ग्रूम करते समय मल्हार कैसे ग्रूम होता है क्या होता है क्योंकि मल्हार को बचपन में मैंने सोशलाइज किया है और बचपन से वही ग्रूमर के पास जाते हो तो उसके वजह से वो कुछ करता नहीं उधर और मस्ती भी कुछ नहीं करता। अभी थोड़ा बहुत उधर पेट शॉप था तो उसके टॉयज वगैरह थे क्योंकि उसका प्रे ड्राइव भी अच्छा है तो उसके वजह से वो थोड़ा मस्ती कर रहा था बाकी कुछ नहीं। वो उसका मैंने फुटेज कैप्चर नहीं किया क्योंकि उसको कुछ थोड़ा बहुत बर्थडे का शॉपिंग भी करवाया मैंने उधर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑन द वे घर पे। ये बहुत थक चुका है इसको फ्री भी कराया अभी घर जाके मतलब बिल्डिंग के नीचे वगैरह थोड़ा वो कुछ फ्री होगा फिर उसको घर जाके सीधा उसके पैर वगैरह साफ करेंगे और उसको लेके जाएंगे घर पे और सोएगा ये मेरे को तो 100% श्योर है क्योंकि ग्रूमिंग करने के बाद कौन सा भी डॉग होने दो स्लो सो जाता है ऐसा। अभी पता नहीं मेरे को दही वगैरह खाएगा क्या नहीं क्योंकि उसको चोक बैठा है अच्छा खासा क्योंकि इतना पूल कर रहा था एक्सट्रीम पूल कर रहा था तो कुछ होना नहीं चाहिए इसको इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ ये नहीं किया उधर रुकाया नहीं। हम लोग निकल पड़े थोड़ा बहुत शॉपिंग किया इसके लिए वो वगैरह खरीदा उसका एक टॉय खरीदा और एक छोटा सा एक घुंगरू रहता है गले में डालने के लिए वो खरीदा बस इतना है दैट्स इट। ठीक है मिलते हैं बाद में। गाइज अभी देखो मल्हार कैसे रिलैक्स करके बैठे हैं ऑटो में क्योंकि उसको ऑटो रिक्शा ऑटो राइड बहुत पसंद है तो उसके वजह से अभी हम लोग गए ऑन द वे घर पे। ठीक है तो आपको ये दिखाने के लिए मैंने ये किया क्योंकि उसको ऑटो राइड्स वगैरह कितना पसंद है क्या पसंद है बट उसको अगर रोड पे चलाएंगे और वॉक करेगा वो किसी ऑटो का मतलब साउंड सुनेगा लाउड नॉइज तो उसको जंप करने मतलब उसको रिएक्टनेस अच्छा है उसका मतलब वो बैड बिहेवियर है तो अभी कुछ उसका बोल नहीं सकते बट इतना अच्छे से उसको राइड पसंद है ना बहुत पसंद है राइड। आज उसका बर्थडे है आज उसको शाम में पता नहीं क्या है केक वगैरह मम्मी ने बनाया नहीं है अभी बनाएंगे केक बनाना है कि नहीं बनाना तो मम्मी केक बनाने वाली है अभी मम्मी है मेरे साथ में क्योंकि मैं अकेला जा सकता था बट इधर
ऑटो को पेमेंट करो, उधर पेमेंट करो, तो हैंडल करने में ब्लॉक कर रहे हैं, थोड़ा दिक्कत होता था ऐसे, उसके वजह से। और हम लोग कुछ अच्छा इनिशिएटिव ले है, मैंने मेरे तरफ से, मल्लार की तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से, हम लोग आज का बर्थडे है, तो इसके बर्थडे पे हम लोग है ना, जो भी स्ट्रीट डॉग दिखेगा, जो भी स्ट्रीट डॉग दिखेगा उसको हमारे तरफ से कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना मिलेगा, क्योंकि इसको तो हम लोग पूरा खाना देते ही है, ठीक है, हर रोज़ अच्छा खासा खाना मिलता है, बट उन बिचारों को कोई खाना कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है ऐसे है। तो आज बर्थडे के दिन से उनको मतलब मल्लार की तरफ से पार्टी, कोई भी डॉग होने दो, सब डॉग अपने ही है, बस ये इसके तरफ से उन लोगों को एक छोटा सा पार्टी है ऐसे। तो उसके वजह से हम लोग अभी सबको फीड कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा किस किस को फीड हो रहा है क्या हो रहा है, बट ऐसे भी हम लोग फीड कर रहे हैं। घर पे 20 kg का बैग है, वो 20 kg से बैग से पूरा जितना भी फीड निकल सकता है, जितना भी डॉग्स को फीड मिल सकता है उनको फीड दे रहा हूँ मैं। और अभी आज टारगेट करूँगा कि हमारे इधर के एरिया के सब डॉग को फीडो मिले ऐसा है। तो इसके वजह से इसके तरफ से छोटा सा पार्टी, और बस बाकी कुछ नहीं, उसको प्रे करो, 2 साल का हो गया, अच्छा खासा ये करे, लाइफ में ग्रो करे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, ये मैं ग्रूमिंग का सेपरेट वीडियो डालने वाला हूँ, नॉट अबाउट बर्थडे, बट ग्रूमिंग का सेपरेट वीडियो डाल रहा हूँ, अगर पसंद आने वाला होगा आपको, अगर पसंद आया रहेगा ठीक है, तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और ये उसको ऑटो राइड बहुत पसंद है, जिसकी वजह से हम लोग ऑटो से घर जा रहे हैं, ठीक है, तो मिलते राइट। तो मिलते अभी सीधा घर, और मैं इसके बाद मैं दूसरा ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, ये देखो ये कैसे बैठा है, ठीक है। और अभी वंस अगेन इसको सब जन कमेंट में बर्थडे विश करो, और 2 साल का हो गया है तभी भी बच्चे जैसे हरकत है उसके, ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने फैमिली के साथ सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ इसके लिए, क्योंकि लोग बोलते हैं रॉटविलर बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो आप दिखाओ घर पे रॉटविलर एग्रेसिव होते हैं। थैंक यू, बाय। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाकर शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।